आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बिंदी छोले की रेसिपी। तो आइए देखते हैं कैसे ये बनती है और मैंने इसके लिए क्या क्या सामग्री लिया है। यहाँ मैंने छोले को उबाल कर रखा है और ये मैंने थोड़ा सूखा मसाला लिया है, तेजपत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, और यहाँ मैंने स्वाद अनुसार नमक लिया है। ये मैंने प्याज पेस्ट लिया है और ये टमाटर प्यूरी, थोड़ा सा जीरा, हरा धनिया, अदरक लहसुन पेस्ट लिया है और यहाँ मैंने सूखे मसाले लिए हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और ये मैंने सब्जी के लिए मस्टर्ड ऑयल लिया है। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है। आज हम बिंदी छोले को कुकर में बनाएंगे। तो यहाँ मैंने कुकर को गर्म करके रखा है। अब हम इसमें ये तेल डालेंगे। और इसे गर्म होने देंगे। अब ये हमारा तेल गर्म हो चुका, अब हम इसमें ये खड़ा मसाला डालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा खड़ा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। अब हमें इसे फ्राई करना है, अदरक लहसुन पेस्ट को भूनना है। अब हम इसमें ये प्याज पेस्ट डालेंगे। और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे लाल होने तक भूनना है। आप देख सकते हैं ये हमारा प्याज भून चुका है अच्छी तरह। अब हम इसमें ये टमाटर प्यूरी डालेंगे और इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें ये स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। हमें इसे लगातार चलाना है ताकि ये नीचे तरह ना जले। हमें इसे अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें ये सूखा मसाला डालेंगे। और इसे चम्मच से चलाना है ताकि ये भी भुन जाए। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसालों को मिक्स कर लेंगे। फिर हम अब 2 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। अब हम कवर हटा लेंगे और हम इसे फिर से चम्मच से चला लेंगे। देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। इसमें अब हम ये जो उबाल के छोले रखे थे उसे डालेंगे। और इसे भी हम चम्मच से चला लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसमें छोले डाल दिया है। अब हम इसमें 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि ये उबल दे। तो आप देख सकते हैं कवर मैंने हटा लिया है। अब हम इसमें ये कटी हुई हरा धनिया डालेंगे। ये हमारा रेडी हो चुका बिंदी छोले की रेसिपी। अब हम इस प्लेट में निकालेंगे। मैंने यहाँ गार्निशिंग के लिए पनीर लिया है, आप चाहो तो ले सकते हो। तो आप देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो चुका बिंदी छोले की रेसिपी।